यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक चीज मैं कहना चाहूंगी दैट एवरी डे आई गॉट द मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम वन स्टूडेंट और द अदर स्टूडेंट। मैम, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, व्हाट विल बी द मार्क्स, टोटल मार्क्स। आप लोग क्लासेस नहीं अटेंड करते हो, मतलब कितने दिन से एक ही बात हर चीज हर टीचर बता रहा है, फिर हमें नहीं पता कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर आना है एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। तो अभी तो रिवीजन डेज है, आप तो क्लासेस लगा लो। अभी भी ना क्लासेस लगाई तो आई एम टेलिंग यू द थिंग्स विल बी वर्स्ट। सो प्लीज डू अटेंड योर क्लासेस। यही नहीं पता हमें कि पेपर कितने मार्क्स का आना है, क्या पेपर का पैटर्न है। एक रोज रोज दो बच्चों का मैसेज आया था, मैम व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, व्हाट विल बी द टोटल मार्क्स, व्हाट विल बी द टोटल टाइम, एवरीथिंग वी हैव टोल्ड यू इन द क्लास। सो वेयर वर यू, कहाँ थे आप लोग तब? Even every teacher is telling you that about the pattern of the question paper. Still you people are confused. जब हम paper question paper के pattern को लेके confused हैं, तो क्या हम attempt करके आएंगे? ये जो ना हंसने उसने वाली बातें अब छोड़ दो दिलप्रीत जी। जो चीजें हैं that are not as easy as it seems to be. एक चीज मैं बता दूं, 40 सुन लो, आज आज last बार बता रही हूँ, मैंने रोज रोज नहीं बताना। You are matured enough. क्लासेस अटेंड करो अपनी। 40 मार्क्स का पेपर होगा, राइट? 40 एमसीक्यू, वन ऑफ ईच मार्क, ठीक है? एंड दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अलोन एमसीक्यूज इन विच यू कैन हैव सिंपल फोर ऑप्शंस विद वन स्टेटमेंट, मैच द कॉलम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक दैट। एंड देन In another section, you will be having assertion reasoning question that I have explained. What is the meaning of assertion reasoning? Do you know na? पता है सबको? एक statement दी होगी, उसका reason दिया होगा। या तो दोनों true होंगे। अगर दोनों true है, तो जो दूसरा reason है, वो assertion का correct explanation हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। या फिर एक true होगा, एक false होगा। Assertion true, reasoning false, reason true, assertion false. तो आपने अकॉर्डिंगली किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। देन केस स्टडी, यू आर फैमिलियर टू केस स्टडी अर्लियर आल्सो, दैट वन पैराग्राफ एंड आउट ऑफ विच 5 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, राइट? सो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। और एक चीज मैं बता दूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लियर वी यूज टू टोल्ड टू स्टूडेंट्स दैट डू मैक्सिमम प्रैक्टिस। कोई आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई किसी बुक का क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बट दिस टाइम आई एम चेंजिंग माई वर्ड्स, आई शुड से डू कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस मैक्सिमम। इफ यू आर नॉट हैविंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, चाहे आप जितने मर्जी बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाओ, आपका पेपर ठीक होने वाला नहीं है, राइट? सो इतने एमसीक्यूज और इतनी assertion reasoning all will be based on no doubt calculations, but mostly it will be based on the definitions and the concepts. If you are not aware about the concept of the chapter definitions, you will be on loss. So whenever you are revising some chapter, आपकी NCERT book ही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। उसमें एक एक चीज को, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, अपने आप ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो शार्प हो जाएंगे, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा बुक नो डाउट हमें देखनी है, बट सबसे पहले आप NCERT की एक एक वर्ड को पढ़ो चैप्टर शुरू करने से पहले। एवरी कॉन्सेप्ट इज देयर, right? So this time conceptual study will give you the marks, right? If you are not clear about the concept, आपने बड़े बड़े questions की practice कर ली हुई है, तो ये भूल जाओ that you will get the good marks. To score good marks, please be aware about concepts. जिसको segment sector की definition ही नहीं आती, वो भूल जाओ कि वो paper में कुछ करके आएगा. जिसको यही नहीं पता what is theta इन द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट, वो उसके लिए फिर मुश्किल है चीजें। तो कंसेप्चुअल स्टडीज, इट मैटर्स अलॉट। सो प्लीज डू अटेंड द क्लासेस एंड रीड यूर एनसीईआरटी बुक्स, ईच एंड एवरी वर्ड वेरी वेरी केयरफुली। किसी एक एनसीईआरटी बुक की एक जो लाइन है, वही क्वेश्चन बन के आ जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, इन एवरी सब्जेक्ट इट विल हैपन लाइक दिस ओनली। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, हमारा बेस भी तो एनसीईआरटी होती है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा है, इसके बेस्ड हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। तो इफ यू वॉन्ट टू गेट ग्रिप ओवर कॉन्सेप्ट,
just read out the theory given in NCERT before the chapter, right? So Ocean was asking what kind of questions will be there in the paper, even Satvik. I hope that I'm clear to you people that what kind of questions and what should be your method of preparing yourself for exam. Is it okay? Ocean, Satvik, no reaction from your side. Aaj to aap class mein ho dono, so you should tell me. Satvik, is it clear? Paper ka pattern, total marks and all that. What about Ocean? Where is Ocean? She was asking actually. Ocean, is it okay? No reaction. Ocean Ahuja. क्लास में आपने क्लास ऑन करके सुन भी रहे हो मुझे कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता. अगर सुन रहे हो क्लास ऑन करके तो आप या तो हैंड रेस करो या फिर थंब रिएक्शन दो. हैंड रेस का मतलब कि आपने कुछ पूछना है, थंब रिएक्शन का मतलब आपको क्लियर है. बट नो रिएक्शन आई एम गेटिंग, इट मीन्स यू कैन जज योर सेल्फ वेरी वेल ना. चलिए एनी हाउ, so some of the extra questions we have done from area related to circles. There is no limit to extra question. You can do maximum practice on the basis of the concept. So let us start with the revision of the next chapter, coordinate geometry, chapter number 7th of your book. Starting with distance formula. Define coordinate geometry. What is coordinate geometry? Anyone? Hanji? Anything that can be placed on graph is coordinate geometry. Raghav Roda? Anyone else? Kundal Sahab the Great? No? Sajal? Keshav? Coordinate geometry is the branch of mathematics in which we study the position of the points with respect to two perpendicular axes. Aisi branch of mathematics jisme hum points ki positions ko study karte hain, kiske help se ya kiske context mein, two perpendicular axes ke context mein. One is x-axis, another is y-axis, right? Every point in the plane, it is having two coordinates. Kuch bhi aa sakta hai paper mein, I'm telling you. Just the concept should be in your mind. Ye humne 9th mein bhi kiya tha. Every point in the coordinate plane is having two coordinates. X-coordinate is called abscissa and y-coordinate is called ordinate, right? So this is x-coordinate abscissa and y-coordinate is ordinate, right? Then main target is to focus on the concept which are in 10th standard. What is the distance formula? Distance formula gives us the distance between two points in the plane. Plane mein do points hain. Plane aeroplane nahi. Plane two dimensional plane. In do points ke beech ka distance we can find through the distance formula. Right? Suppose the point P is x1, y1 and point Q is x2, y2. Point P is x1, y1 and point Q is x2, y2. Then by distance formula, we are having square root of x coordinates ke difference ka kuch matlab nahi hai ki hum dhyan se board ki taraf dekhe aur kuch likh le. Na? Idhar udhar dekh ke hamari interaction ho rahi hai abhi bhi. Difference of x coordinates square plus difference of y coordinates square. This is the distance formula which gives us the distance between two points. What is the application of distance formula? We have done so many questions based on the distance formula. First is how to detect that three points ABC
आर को लीनियर विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये सीखा था कि हम कैसे बता सकते हैं कि थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है। व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स केशव कालड़ा? पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। इफ आई एम हैविंग द पोजीशंस ऑफ ए बी सी इज लाइक दिस देन विल दे बी कोलिनियर? नो, दे विल नेवर बी कोलिनियर। दे विल बी कोलिनियर ओनली व्हेन दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। They can sit in any order. A can be the first one, B, C. B can be the first one, C, A, and so on. If the points are sitting like this, then we see that they are collinear. That means according to this line, we should have AB plus BC is equal to AC. Two distances AB or BC ka sum AC ke equal ho gaya. Theek hai? If I'm taking C in the center and B here, then I should have AC plus CB is equal to AB. And if I'm having A in the center, then we should have AC plus AB. CA plus AB is equal to CB. That means if sum of any two distances is equal to the sum of the third full distance on the line, then we say that the points are collinear. That means first application, first concept that is working behind the distance formula, that with the help of distance formula, we can detect that whether the points are collinear or not. Let us do one question of the same type. Tell whether the points P2, Q, -2, -3 and R2, 3 are collinear or not. We have to check whether the points are collinear or not. What we will do, we'll find the distance PQ. Square root of X coordinate ka difference, uska square. That is -2, -3 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस का स्क्वायर। दिस इज 25 + 25 √50 एंड यू कैन हैव इट टू बी 5√2। सो PQ यू आर हैविंग 5√2। नेक्स्ट QR square root of x coordinate ke difference ka square plus y coordinate ke difference ka square. x2 - x1, y2 - y1. X coordinate ke difference ka square and then y coordinate ke difference ka square. 2 + 2 square. This is 4 square 16. 6 square. 36. Square root of 52. This is 2√22. And now let us calculate. Oh, sorry. 30. अगर हम इस तरह से लाइन लेके चल रहे हैं पी क्यू आर, वी कैलकुलेटेड पी क्यू, वी कैलकुलेटेड क्यू आर एंड लेट अस कैलकुलेट पी आर. PR is equal to square root of 2 - 3 whole square, 3 - 2 whole square, 1 + 1 square root of. Now it doesn't necessary that we add PQ and QR and we get PR. As I told you, had it been R in the center, then we have to add PR plus RQ. It should be equal to PQ. But you see, PQ is 5√2. QR is 2√13 and PR is √2. पहली बात तो ये कि इनमें से
हमारे पास ये जो रूट 13 है दिस इज हैविंग अ डिफरेंट नंबर अंडर द रूट, ये तो ऐड ही नहीं हो सकता इसमें अनटिल और अनलेस वी आर नॉट हैविंग अ डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रूट 13। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बट इन दोनों को अगर हम ऐड करें भी 5√2 + √2 दिस विल बिकम 6√2, विल इट बी इक्वल टू 2√13, होगा इक्वल नहीं ना, तो हम सीधा लिखेंगे हियर द सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, लिख लो सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, एनी टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, sum of any two distances is not equal to the third distance. So what it means, the points P, Q, R are not collinear, right? This is the first concept which is based on the distance formula, first application rather I should say of the distance formula. Second application of the distance formula was, with the help of distance formula you can detect the type of triangle and type of quadrilateral. How to detect type of triangle or quadrilateral with the help of distance formula. Let us do one question of the same type. Let me take the vertices. Sixth question, second part. A is -3, 5. B is 3, 1, C is 0, 3, and D is -1, -4. We have to check that ABCD is what type of quadrilateral. So whenever we have to check the quadrilateral, let us mark it on the figure so that we can have a better picture. First of all, the sides of the quadrilaterals, they are to be calculated, and that can be calculated with the help of distance formula only. Let us calculate AB. I am writing directly 3 + 3² 1 - 5² 36 + 16 This is √52. हाँ जी, दिलप्रीत बीसी लिखवाना ज्यादा मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले से. श्रियांश आप लिखवा दो फिर, और उसको ही बता दो. बच्चे हमेशा इसका कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं दूसरे पॉइंट. शाबाश. प्लस शाबाश 3 - 1² दिस विल बी 9 + 4 दिस इज √13. बीसी कम्स आउट टू बी √13. लेट अस फाइंड CD. This is CD. -1 - 0² plus 1 - 0² plus -4 - 3² This becomes 1 + 7² 49. 50. Then AD. AD is equal to √ -1 + 3² plus -4 - 5² This is 4 + 81 √85. अब देखो इसमें कोई सारी साइड कुछ भी इक्वल नहीं आ रही ना, तो ये हम कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. इससे पहले हम ये देख लें कि ये कोई ट्राइंगल, हाँ जब साइड्स ही नहीं इक्वल आ रही तो हम डायगोनल्स को क्या इसमें कह सकते हैं.
ठीक है। हाँ इरेगुलर कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, बट इसमें ना एक चीज याद रखना, मुझे थोड़ा सा जो इसमें लग रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल पॉइंट बनाएंगे नहीं, ये जो जब आप इन पॉइंट्स को चेक करोगे ना एबीसी को, तो ये कोलिनियर आ जाएंगे कुछ पॉइंट्स। जब कोलिनियर ही आ गए तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बन गया, फिर तो बन ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ये कोई टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें शो नहीं कर रहा। मुझे जहां तक लग रहा है इससे क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, ये पॉइंट्स इनमें से 3 पॉइंट्स को लीनियर आ जाएंगे। आप चेक करके देखो जरा, ए बी बी सी, यहाँ पे 1 मिनट, 2√30 है ना, अगर हम एसी कैलकुलेट करें, 9 + 4√30। देखो मैंने एसी कैलकुलेट किया, √13 आ गया। अब आप AB प्लस BC देखो, इनमें से अगर मैं AC और BC को ऐड करूं, AC इज √13, BC इज ऑल्सो √13, क्या बनेगा, 2√13। दैट मीन्स आई एम हैविंग AC प्लस BC इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू AB। AC प्लस BC किसके इक्वल आ गया, AB के। और जब AC प्लस BC AB के इक्वल आ गया, इसका मतलब ABC क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। और अगर एबीसी कोलिनियर ही हो गए तो उनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, उनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। कोलिनियर से तो ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, चौथे पॉइंट से डी के साथ बन सकता, डी के साथ बन सकता। सो उसने पूछा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो दीज वर्टिसेस विल मेक व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इट विल दिस पॉइंट्स विल नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। तो नेचुरली जब हमारे पास कोई टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा, इसका मतलब उन पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। अदरवाइज यू शुड हैव इन माइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स टू जज। सपोज यू आर हैविंग द ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, सपोज यू आर हैविंग द ऑपोजिट साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, देन व्हाट टू डू, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और हमें क्या चेक करने पड़ेंगे, डायगनल चेक करने पड़ेंगे, एंगल भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डायगनल्स इक्वल आते हैं तो जरूरी नहीं ये स्क्वेयर हो। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, डायगनल इक्वल नहीं होते, और स्क्वेयर के केस में डायगनल इक्वल होते। अगर डायगनल इक्वल आ जाते हैं स्क्वेयर सॉरी रोम्बस या स्क्वेयर, ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल आ गई तो आप पहले 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलो, Either it is parallelogram or it is rectangle. Opposite sides initially to we are having in parallelogram and rectangle. वो बात की बात है कि every square is a parallelogram, तो square में parallelogram. बाकी सब उसकी type ही हैं, right? तो आप इस केस में we check the diagonals. अब ना तो parallelogram के diagonal equal होते हैं ना ही rectangle के, किसी के नहीं equal होते. तो ये पता ही नहीं चला, अगर डायगनल्स यहाँ पे नॉट इक्वल आए तो फिर भी वो, जैसे मान लो एसी नॉट इक्वल टू बीडी आया, अगर अभी भी दोनों में से हम किसी एक को जज नहीं कर पा रहे कि क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे ये देखने के लिए कि एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। इफ द एंगल इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री देन इट विल बी रेक्टेंगल, अदरवाइज इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी, If all sides equal, then 2 possibilities are there: square or rhombus. We'll check the diagonals again. Diagonals of rhombus are not equal, but diagonals of square are equal. If the diagonals get equal, we'll go for square. Otherwise, we'll leave it to the rhombus only.
साथ में ये भी ऑप्शन दिया होगा बोथ ए एंड सी पैरेललोग्राम होता ही है, उसने ऑप्शन ये भी फिर दिया होगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि वेदर इट लिसन वेदर इट विल बी अ पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस। अगर मान लो वो स्क्वायर है तो नेचुरली वो सब कुछ है, स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज है, तो एक ऑप्शन ये भी होगा ऑल अबव। तो किसको टिक करके आओगे? ऑल अबव, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो केशव कालरा जी, ऐसी कंफ्यूजन पेपर में होने वाली है हमें, तो वी कैन इमेजिन द थिंग्स वेरी वेल, राइट? सो दिस इज द सेकंड। हाँ, कितना देखो अच्छा पॉइंट राघव ने उठाया कि अगर पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है एंड रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है, तो क्या रोम्बस को छोड़ के स्क्वायर है एंड ऑल अबव है, तो किसको टिक करके आओगे? स्क्वायर को, ऑल अबव, क्योंकि अगर कोई स्क्वायर बन गया तो वो सारा ही है। स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो सर्व गुण संपन्न है, जिसमें हर कोई गुण है। किसके पर प्रॉपर्टीज तो उसमें है ना, वो वाली सारी जो रोम्बस की होती है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, राइट ना? हमने जो उसमें से अगर कुछ प्रॉपर्टीज उठा ले तो रोम्बस बन जाएगा, राइट? सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला इज टू फाइंड द पॉइंट एंड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए तो एक्स और वाई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट मीन्स वी शुड से दैट इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम क्या इक्विडिस्टेंस मींस अगर एक पॉइंट दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, रेशो पे तो अभी हम आए नहीं, वन रेशो वन नहीं होगा। लिसन, जैसे कि क्वेश्चन है आपकी बुक में, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2-5 एंड बी -2-9। Equidistant point on x-axis. How to take the point on x-axis? Point x-axis पे कैसा होता है? कोई point x-axis पे बताओ मुझे। कृष्णा, ninth करके आए हैं ना हम, ये jump करके आए हैं, करके आए हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि x-axis पे जो points होते हैं इनकी शक्ल कैसी होती है। राघव ने बता दिया, हमने सुन लिया। X एक्सिस पे वो पॉइंट होते हैं जिनका Y कोऑर्डिनेट जीरो। बैठ जाओ। We take any point on X एक्सिस and the coordinates we are taking it to be X comma zero, right? Now क्या कंडीशन गिवन है कि ये पॉइंट का A से डिस्टेंस और ये पॉइंट का B से डिस्टेंस इक्वल है। जब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करवाया था तब मैंने आपको बताया था एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं कहूँ P से A का डिस्टेंस, मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगी? पी ए या एपी, ठीक है, एपी एंड पी से बी का डिस्टेंस बीपी, मैथमेटिकली वी राइट इट बीपी एंड दीज डिस्टेंसेस दे आर गिवन टू बी इक्वल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर 0 प्लस 5 होल स्क्वायर।
वीपी एक्स प्लस टू होल स्क्वायर नाइन माइनस जीरो होल जीरो माइनस नाइन होल। हाँ जी आप बताना मुझे जरा दिलप्रीत, फॉर्मूले में तो माइनस होता है, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो प्लस आ गया। आप बताओ सिमरप्रीत, फॉर्मूले में तो यहाँ पे माइनस होता है कोऑर्डिनेट्स के बीच में, मैंने प्लस क्यों लिखा है? तो अगर बता देना मैं समझूंगी, तो सुन रहा हूँ। कौन से माइनस? एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस फाइव का अपना, मिलके क्या हो गए? प्लस। दिस इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस एटी वन। नाउ वी हैव टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट, फॉर दैट वी हैव टू डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग कर दी। एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव, ठीक है। नाउ दिस विल बी ओपन विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एटी, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस फोर एक्स, अच्छा ये भी कैंसिल कर दो, सारे कैंसिल कर दो, सारे पेपर में इधर कैंसिल करके आ जाएगा, ठीक है। प्लस फोर एक्स इधर आया, माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन एट्टी फाइव, माइनस सिक्सटीन एक्स एट्टी फाइव माइनस, अच्छा सॉरी माइनस एट एक्स, दिस इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, एक्स कम्स आउट टू बी सेवन। सो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, ये देखने के बजाय कृष्णा इज लुकिंग एट हिज वॉच, व्हाट इज द टाइम, नॉट अ गुड थिंग बच्चे। हम टाइम देखना, इसका मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास लेक्चर, फिर क्या हमारा स्कूल आने का फायदा? हम इसीलिए आए ना कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, चलो स्कूल चलते हैं, देखते हैं टीचर्स क्या करवा रहे हैं, तो फिर समझो। तो व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर, जस्ट रिवाइज इट इन दिस वे दैट वन फार्मूला, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, उसके बेस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक दैट यू रिवाइज